नासा को उम्मीद है कि स्पेस स्टेशन कम से कम 2030 तक ऑपरेशनल रहेगा। तब तक शायद प्राइवेट कंपनियां अपने खुद के स्टेशन लॉन्च कर चुकी होंगी। अगर 2030 तक कोई कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन ऑपरेशनल नहीं होता तो साइंटिफिक रिसर्च जारी रखने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जिंदा रखा जा सकता है। नासा ने स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष में डीअसेंबल करने और उसके टुकड़ों को धरती पर वापस लाने का विचार त्याग दिया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यह भी नहीं चाहती कि प्राइवेट कंपनियां आईएसएस के पार्ट्स का इस्तेमाल अपने आउटपोस्ट बनाने के लिए करें। नासा के मुताबिक अनुसार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कक्षा में कभी भी अलग करने का इरादा नहीं था। ऐसा करने की कोई भी कोशिश न सिर्फ महंगी केवल महंगा होगी बल्कि डीअसेंबली प्रोसेस में शामिल अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी खासा जोखिम पैदा करेगी। अभी इतना बड़ा कोई स्पेसक्राफ्ट है भी नहीं जो आईएसएस के सभी टुकड़ों को धरती पर वापस ले आए। नासा ने इस ऑप्शन पर भी विचार किया कि आईएसएस को बूस्ट करके और ऊंची कक्षा में भेज दिया जाए। हालांकि इस विकल्प को लॉजिस्टिकल चुनौतियों और अंतरिक्ष में कचरे के खतरे को देखते हुए खारिज कर दिया गया। नासा के अनुसार सबसे विवेकपूर्ण कदम यह होगा कि आईएसएस को उसकी वर्तमान कक्षा में तब तक रहने दिया जाए जब तक कि और बेहतर विकल्प नहीं मिल जाता। अभी इंटरनेशनल स्पेस को पृथ्वी से करीब 420 किलोमीटर ऊपर वाली कक्षा में रखा जाता है। इस कक्षा में बरकरार रखने के लिए स्पेस स्टेशन को समय समय पर बूस्ट किया जाता है। अगर बूस्ट न किया जाए तो स्पेस स्टेशन नीचे आने लगेगा और आखिरकार अनियंत्रित तरीके से धरती पर गिरेगा। नियंत्रित और सुरक्षित तरीके से री एंट्री सुनिश्चित करने के लिए नासा आईएसएस को दक्षिण प्रशांत या हिंद महासागर के ऊपर ठिकाने लगाने की योजना बना रहा है। नासा को लगता है कि स्पेस स्टेशन के कुछ घने कंपोनेंट्स, जिनका आकार एक माइक्रोवेव ओवन से लेकर एक सेडान जितना बड़ा हो सकता है, री एंट्री में बच जाएंगे। ये कंपोनेंट्स लगभग 2000 किलोमीटर में मलबा फैला देंगे। पहले नासा ने डी ऑन ऑर्बिटिंग प्रक्रिया के लिए 3 रूसी सप्लाई यानों का इस्तेमाल करने की सोची थी, लेकिन धीरे धीरे यह साफ हो गया कि और मजबूत स्पेसक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी। तभी तो नासा ने जून में स्पेसएक्स को 847 मिलियन का ठेका दिया ताकि वह खास डी ऑर्बिट व्हीकल बनाए। स्पेसएक्स ने इस मिशन के लिए अपने कार्गो ड्रैगन को नया रूप देने की सोची है। एक रेगुलर ड्रैगन में 16 इंजन होते हैं, लेकिन इस कार्गो ड्रैगन में 44 ड्रेको इंजन लगे होंगे। इसका ट्रंक भी बहुत बड़ा होगा जिसमें इंजनों के अलावा 16,000 किलोग्राम ईंधन रखा जाएगा। नासा ने कहा कि कक्षा में पहुंचने के लिए खास तौर पर शक्तिशाली रॉकेट की जरूरत पड़ेगी। स्पेसएक्स के कैप्सूल को स्टेशन की प्लांट डीकमिशनिंग से 1.5 साल पहले लॉन्च किया जाएगा। स्पेस स्टेशन को नीचे लाते समय एस्ट्रोनॉट्स भीतर ही रहेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंत से 6 महीने पहले क्रू को बाहर निकाल पृथ्वी पर वापस ले आया जाएगा। जब स्टेशन लगभग 137 मील 220 किलोमीटर की ऊंचाई तक आ जाएगा तो ड्रैगन कैप्सूल फाइनल डिसेंट शुरू करेगा और 4 दिनों के भीतर स्टेशन को नीचे ले आएगा। नासा ने अंतरिक्ष स्टेशन के भीतर से कुछ छोटी वस्तुओं को वापस लाने की इच्छा जताई है ताकि इन्हें संग्रहालयों में प्रदर्शित किया जा सके। स्टेशन के आखिरी 1-2 साल में स्पेसएक्स के सप्लाई यान इन कलाकृतियों को वापस पृथ्वी पर ले आएंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, जापान और कनाडा ने साझा कोशिश से तैयार किया था। इसे 1998 में लॉन्च किया गया था। 2 साल बाद अंतरिक्ष यात्रियों ने आईएसएस पर रहना शुरू किया। पहले इसका आकार छोटा था जो समय के साथ बढ़ता गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वर्तमान साइज एक फुटबॉल मैदान के बराबर है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वजन लगभग 1 मिलियन पाउंड 430,000 किलोग्राम